हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हमने डिफरेंट वेबसाइट सिलेक्ट की हैं जो ऑनलाइन क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और बीसीक्यू से रिलेटेड हैं। वो आपको दिखाएंगे। हमने चार डिफरेंट प्रोग्राम्स के एमसीक्यूज की वेबसाइट सिलेक्ट की हैं। किस तरह से एकदम से रिलेटेड जो है ना, उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ऑनलाइन किस तरह उसमें टेस्ट देनी है। और जो चार सब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किए हैं इस वीडियो में जिससे एमसीक्यूज और बीसीक्यू रिलेटेड हैं, उसमें फर्स्ट पर है डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी, जो फिजियोथेरापी के स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड है। और दूसरा जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड वेबसाइट्स हैं। तीसरा जो फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेस से रिलेटेड हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी से, उनके लिए भी डिफरेंट वेबसाइट्स सिलेक्ट किए हैं। और चौथा जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ वेबसाइट्स सिलेक्ट किए हैं, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से हैं और उनकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं ऑनलाइन। और वीडियो और व्यूअर्स, हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जो एमबीबीएस और मेडिकल्स के स्टूडेंट्स से रिलेटेड थी, ऑनलाइन एग्जाम किस तरह से देना है, किस तरह से उनकी टेस्ट देनी है, और वो भी ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड एमसीक्यूज और बीसीक्यूज पर डिपेंड थी। तो आए चलिए अभी स्टार्ट करते हैं पहले फिजियोथेरापी के सब्जेक्ट से। तो अभी यहाँ देखें व्यूअर्स, हमने एक वेबसाइट ओपन की है test-questions.com। अब इसमें जो इसका पूरा लिंक है test-questions.com/npte-exam-questions-01.php। अब आप जब ये वेबसाइट ओपन करेंगे, ये लिंक ओपन करेंगे, तो अभी देखें यहाँ पर आपके पास फिजिकल थेरापी से रिलेटेड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो भी क्वेश्चंस हैं वो अवेलेबल हैं। अभी इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन के साथ से उसके डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से आपको टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। अच्छा, इसमें ये भी कि आप मल्टीपल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फील होता है कि यहाँ किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा उसके ऑप्शंस हैं, तो आप उसमें मल्टीपल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ इस पेज पर नीचे आए तो और भी जो है ना डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको वन बाय वन अटेम्प्ट करें। जब आप सारे क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कर दें तो आप फिर इनको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आप अपने टेस्ट की रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये तो व्यूअर सिर्फ एक टेस्ट था। उसके अलावा और भी अगर आपको टेस्ट देनी है तो आप दूसरी टेस्ट पर यहाँ पर क्लिक करें, तीसरी पर क्लिक करें, इस तरह वन बाय वन टेस्ट पर क्लिक करते जाएं। इस वेबसाइट पर टोटल 53 टेस्ट अवेलेबल हैं, आप इनकी प्रैक्टिस इसमें कर सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट को नोट कर लें, वेबसाइट का नाम है test-questions.com, test-questions.com। और उसके अलावा सेकंड जो हमारे पास वेबसाइट है वो है ptfinalexam.com, ptfinalexam.com, physiotherapyfinalexam.com। अब देखिए यहाँ पर इसका पूरा लिंक दिया हुआ है ptfinalexam.com/free-physical-therapy-exam-questions-archive। तो अभी इस वेबसाइट की एक खसूसियत ये है कि इसमें जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो ऑप्शन दिए हैं, तीन चार पांच जितने भी आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वहाँ पर उनके आंसर भी अवेलेबल हैं। जो करेक्ट आंसर है वो भी अवेलेबल है। जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बोल्ड में, और बोल्ड में भी, और उस जवाब की डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है कि ये वाला जो
आंसर सही है तो इसकी डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है कि क्यों ये सही है। उसके अलावा इसमें और भी जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं उनकी भी जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी हुई है कि क्यों ये वाले ऑप्शन सही नहीं है, क्यों ये वाला ऑप्शन सही है। इस तरह जितने भी इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सब में यही पैटर्न है, जो करेक्ट आंसर है वो भी बताया गया है कि क्यों वो सही है, और बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शन हैं वो मैच नहीं करते, क्यों मैच नहीं करते, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो इस तरह आप इनको भी वन बाय वन सारे क्वेश्चन को रीड करें और देखें कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा सही नहीं है, और जो ऑप्शन सही है उसका रीज़न देखें कि वो क्यों, डिटेल देखें कि वो क्यों आंसर सिलेक्ट किया गया है। इस तरह आप नीचे आए तो इसमें से टोटल तो 40 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। और उसके अलावा जो तीसरी वेबसाइट जो हमने सिलेक्ट की है वो है बेसिकली ये एक जॉब्स की वेबसाइट है, इसमें डिफरेंट जॉब्स के लिंक्स अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें कुछ असेसमेंट्स और टेस्ट के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। इस वेबसाइट्स का नाम है wisdomjobs.com। अब यहाँ पर देखें ये पूरा इसका लिंक दिया हुआ है जहाँ पर फिजियोथेरापी के ये क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। अभी इस वेबसाइट की खसूसियत ये है कि इसमें जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें आपको टाइम भी शो करता है कि आपने कितना टाइम कंज्यूम किया इस टेस्ट को हल करने के लिए। तो अब इसमें पैटर्न ये है कि आप एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, आप उसका जो है ना सही आंसर जो भी आपको सूटेबल लगे आंसर आप उनसे आंसर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर इस तरह से दूसरा क्वेश्चन होगा। इस तरह आप वन बाय वन सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। और इसके अलावा देखें यहाँ कुछ फिजियोथेरापी के इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस का भी एक लिंक दिया हुआ है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल है कि आपके पास इंटरव्यू में भी आ सकते हैं। अब इसमें देखिए डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन वन, यहाँ पर आपको ये डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनके आंसर भी दिए हुए हैं जो पॉसिबल है कि एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं क्वेश्चंस और इनके आंसर्स। तो ये तीन वेबसाइट थी जो हमारे फिजियोथेरापी के स्टूडेंट्स के लिए थी। उसके अलावा अभी हम देखेंगे नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन सी वेबसाइट्स हमने सिलेक्ट की हैं जहां पर एमसीक्यूज और बीसीक्यूज के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए। हेलो व्यूअर्स, ये बुक है नर्सिंग के लिए हमने सिलेक्ट की है इस वेबसाइट्स को। वेबसाइट का नाम है withoutbook.com और यहाँ पर ये इसका पूरा लिंक अवेलेबल है जो आपको ओपन करना है withoutbook.com/onlinetestsubjects.php। अब यहाँ पर सिर्फ एक नर्सिंग का सब्जेक्ट नहीं है, कंप्यूटर के, आईटी के, बिजनेस के काफ़ी जो है ना सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनकी टेस्ट अवेलेबल हैं। अब इसमें आप नर्सिंग का ऑप्शन सर्च करें कहाँ पर जो है ना नर्सिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, फाइंड करें। ये यहाँ पर है नर्सिंग प्रैक्टिस टेस्ट और दूसरी है यहाँ पर है नर्सिंग का ऑप्शन,
ठीक है, आप इसको ओपन करें। इसको जब आपने ओपन किया तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि कंटिन्यू टू ऑनलाइन टेस्ट। अब यहाँ पर क्लिक करें कंटिन्यू टू ऑनलाइन टेस्ट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें स्टार्ट का बटन ये आ रहा है, स्टार्ट पर क्लिक करें टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल है, टोटल जो क्वेश्चंस हैं 58 हैं। आप क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, लिक्विड दैट एवापोरेट क्विकली आर नोन एज डैश लिक्विड्स। तो आप ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, देखिए जो भी ऑप्शन आपको सुइटेबल लगे आप उस ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इसी तरीके से आपके पास ये सेकंड वाला क्वेश्चन अवेलेबल है। इस तरह वन बाय वन सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। जब आप पूरे क्वेश्चन 58 अटेम्प्ट कर लें तो फिनिश एग्जाम पर क्लिक करें तो आपके पास इस टेस्ट की रिजल्ट भी अवेलेबल होगी। तो व्यूअर्स, इस वेबसाइट का नाम आप याद रखें withoutbook.com, ये इसका पूरा लिंक है withoutbook.com/onlinetest.php। और उसके अलावा एक दूसरी भी वेबसाइट है learningnurse.org। अभी इसी वेबसाइट पर देखें, यहाँ आपके पास डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी टेस्टें अवेलेबल हैं। जो भी सब्जेक्ट आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड हो आप उस सब्जेक्ट पर क्लिक करें तो उसकी टेस्ट डिस्प्ले होगी आपके पास स्क्रीन पर। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हम इसमें इसको करते हैं क्लिक। तो आप कोई और सब्जेक्ट भी सिलेक्ट और टेस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन है, इसमें 50 क्वेश्चन है, इसमें 90 क्वेश्चन है। इस तरह जो भी सब्जेक्ट आपका रिलेटेड हो आप उस पर क्लिक करें। वुड यू लाइक टू रिज्यूम वेयर यू लेफ्ट ऑफ। नो, अगर आपने कभी इसमें टेस्ट स्टार्ट की हो और अगर वो आधे क्वेश्चन उसमें रहते हैं तो वो आपसे पूछ रहा है कि आप वहीं से रिज्यूम करेंगे या न्यू स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ पर न्यू का ऑप्शन सिलेक्ट किया है। स्टार्ट क्विज, इस पर क्लिक करें। आप यहाँ अपना नाम लिखें, कोर्स या क्लास का नाम लिखें और ईमेल एड्रेस लिखें अगर आप देना चाहते हैं अपनी ईमेल। तो अगर आप अपनी ईमेल देंगे तो आपके रिजल्ट और जो सर्टिफिकेट है वो आपको आपकी ईमेल पर ये सेंड कर देंगे, जो भी रिजल्ट आई आपकी टेस्ट की। आप इसको सबमिट करें और कंटिन्यू करें। देखें ये आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल हैं, टोटल इसमें 25 क्वेश्चन हैं। तो जो भी आपको इसका सुइटेबल आंसर लगे आपको उस पर क्लिक करके सबमिट करना है। तो देखें यहाँ हमें ये बता रहा है कि हमने इसको गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया है, सॉरी द आंसर इज एक्रोमियन। हमने इसमें जो सिलेक्ट किया था वो क्या था, एसिटाबुलम। लेकिन यहाँ हमें ये ऑप्शन दे रहा है कि आपने गलत ऑप्शन सिलेक्ट किया है, जो सही जवाब है वो ये वाला है। और इस वेबसाइट का आपको ये भी फायदा है कि आपको ये गलत और सही दोनों आपको बता रहा है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत सिलेक्ट किया है तो आपको बताएगा कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा था। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें भी देखें वाटर मीन्स पर्टेनिंग टू ठीक। अब इसमें जो भी ऑप्शन आपको सुइटेबल लगता है आप उसी ऑप्शन पर क्लिक करें, क्लिक करके सबमिट करें। अगर आपका करेक्ट होगा तो आपको बताएगा कि आपने ऑप्शन करेक्ट सेलेक्ट किया है, अगर इनकरेक्ट है तो आपको बताएगा कि आपने गलत जवाब दिया है और इसका जो करेक्ट जवाब है वो ये वाला है। अच्छा देखिए यहाँ पर आपको पॉइंट्स बता रहा है कि क्योंकि अभी हमने दो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो दोनों इनकरेक्ट थे, अगर आप करेक्ट आंसर करते जाएंगे तो ये आपको हर सही जवाब पर 10 पॉइंट देगा। और इसी तरह आप इस टेस्ट को भी कंप्लीट करें और इसको फिनिश करें।
अच्छा व्यूअर्स, अभी हम स्टार्ट करेंगे फार्मेसी फार्मास्यूटिकल साइंस से रिलेटेड एमसीक्यूज, जिसमें हमने तीन डिफरेंट वेबसाइट सेलेक्ट की, दो डिफरेंट वेबसाइट सेलेक्ट की हैं, और उसमें जो क्वेश्चंस हैं आपको वो आपको दिखाएंगे कि आपके एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो जो फर्स्ट वाली ये वेबसाइट है जिसका नाम है quizacademy.pk, और ये यहाँ पर इसमें पूरा इसका टेस्ट का लिंक दिया हुआ है quizacademy.pk/MCQs for Pharmacist Requirement Exam Online Mock Test 1। तो इसमें आप नीचे आएंगे, देखें यहाँ पर जो है ना डिफरेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है और उससे रिलेटेड जो भी आपको सूटेबल सही जवाब लगता है आप उस पर क्लिक करें। इस तरह आप नीचे सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन करें, थर्ड करें, वन बाय वन करें। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें सिर्फ आपको एक ही जो है ना ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, और कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें आप एक से ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, अब इसमें आप एक से ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जिन क्वेश्चंस में ये रेडियो बटन दिए हुए, मीन जो सर्कुलर में ये बटन दिए हैं, उनमें आप कोई भी सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिसमें ये आपको स्क्वायर बॉक्स अवेलेबल हो उनमें एक से आप ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह नीचे इसमें डिफरेंट आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, टोटल 75 क्वेश्चन हैं। जब आप ये पूरे कंप्लीट कर दें तो आप शो माय रिजल्ट पर क्लिक करेंगे, तो आपको आपके पास रिजल्ट अवेलेबल होगी आपकी टेस्ट की कि आपने कितने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कितने इनकरेक्ट किए हैं। इसी तरह यही वेबसाइट है, इसमें सेकंड टेस्ट है जिसका यहाँ पर ये देखें लिंक अवेलेबल है quizacademy.pk/PPC NTS Pharmacy Technician Exam Part 1 Year 1 Paper 2। अब इसमें देखें यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन अवेलेबल हैं, इसमें भी सिमिलरली आपको सेम ऑप्शन है कि क्वेश्चन आप रीड करेंगे उसका कोई भी एक आंसर आप सिलेक्ट करेंगे, और इसमें भी मल्टीपल्स के ऑप्शन अवेलेबल आई थिंक होंगे। जी यहाँ पर देखें इसमें ये यहाँ पर इनेबल नहीं हो रहे, ये ऑप्शन इसके नीचे दिए हुए हैं। शायद इसमें मल्टीपल ऑप्शंस का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है रिलेटेड, सारे सिंगल ऑप्शन वाले क्वेश्चन ही हैं। जी इसमें सिंगल ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं, टोटल 60 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और जब आप इस सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो आप शो माय रिजल्ट पर क्लिक करें, तो आपके रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले होगी कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने इनकरेक्ट हैं। उसके अलावा दूसरी वेबसाइट से यहाँ पर इसका लिंक है gbigdeal.in gbigdeal.in। अब इसमें यहाँ पर कोई इसका लिंक दिया हुआ है gbigdeal.in/pharmaceutics-quiz। ये जब आप लिंक को ओपन करेंगे तो आपके पास ये वाले ऑप्शन अवेलेबल होंगे। अब इसमें क्वेश्चन जो आपके पास शो होगा वो होगा वन बाय वन। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको आता हो या जो आप समझते हैं कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है कोई भी, तो आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो देखिए अगर करेक्ट अगर है तो ठीक ही, अगर आपने करेक्ट आंसर सेलेक्ट नहीं किया है तो वो आपको वहाँ पर ऑप्शन देगा
कि आपका आंसर रॉन्ग है। सो व्यूअर्स, अभी हम स्टार्ट करेंगे पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन वेबसाइट्स पर। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ एरो के निशान पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप ये अटेम्प्ट करते जाएं और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते जाएं। इसमें टोटल आपको 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सो अभी हम स्टार्ट करेंगे एक वेबसाइट्स जिसमें पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये वेबसाइट है gotest.pk, और ये उसका पूरा लिंक दिया हुआ है जहाँ पर पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड टेस्ट अवेलेबल है। अब इसमें आप यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, ये आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है। अब इसमें से जो भी आपको सूटेबल आंसर लगे आप उनसे उस आंसर पर क्लिक करें, उसको सिलेक्ट करें और उसमें क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसमें अभी आपके पास सेकंड आंसर आएगा। इस तरह आप सारे आंसर्स को वन बाय वन क्लिक करते जाएं और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते जाएं। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो जब आप कंप्लीट कर देंगे, सबमिट करेंगे, तो आप जो है ना इसमें रिजल्ट अपनी देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने इनकरेक्ट किए हैं। अच्छा, अभी हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो कहते हैं कि प्लीज आंसर द क्वेश्चंस। सो व्यूअर्स, ये डिफरेंट वेबसाइट्स थी जो हमने आप लोगों के लिए सिलेक्ट की, जिसमें फिजियोथेरापी से रिलेटेड थी, फार्मेसी से रिलेटेड थी, नर्सिंग से रिलेटेड थी और पब्लिक हेल्थ से एग्जाम से रिलेटेड थी, जिसमें डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज थे। होप दैट व्यूअर्स, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी इसमें इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल चीज़ें मिली होंगी। अगर आपको कोई भी कमेंट्स देनी हो, राय देनी हो इससे रिलेटेड, या कोई सजेशन देनी हो, तो आप कमेंट्स के थ्रू अपनी राय और सजेशन दे सकते हैं हमें इस वीडियो में। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।